हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा। आलू मैंने पहले से उबाल के रख लिया है फ्रेंड्स, अब साइड में रख दिए हैं। और पराठे में डालने के लिए मैंने लिया है मोटा मिर्चा लिया है, हरा मिर्चा लिया है, लाल मिर्चा लिया है, अदरक लिया है, लहसुन लिया है। अब अच्छे तरीके से मैं सबको पीस लेती हूँ फ्रेंड्स। हम अच्छे से पीस लिए हैं फ्रेंड्स। हमने तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है, हींग डाल दिया है, और कड़ी पत्ता डाल दिया है, एक लाल मिर्चा डाल दिया है, और प्याज डाल दिया है छोटे टुकड़ों में। फ्रेंड्स, मेरा प्याज अच्छे से लाल हो गया है। अब मैं डाल देती हूँ अदरक लहसुन, जो मैंने पेस्ट से पीसा था वो डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, हम अच्छे तरीके से भूज लेते हैं। हल्दी डाल दिया है, जीरे का पाउडर डाला है, लाल मिर्चे का पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और मैंने धनिया का पाउडर डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और हमने हरा धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा हम और भून लेंगे। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। अब आलू डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैंने अच्छे तरीके से मेरा मसाला हो गया है, अब हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने मसाला को अच्छे तरीके से निकाल लिया है। फ्रेंड्स, मैंने आटा पहले से सान के रख लिया है, अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, हम मसाले को अच्छे तरीके से धर लेते हैं, अच्छे तरीके से फ्रेंड्स भेज लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने तवा पहले से ही रख दिया था गर्म होने के लिए, अब पराठे को डाल देते हैं। फ्रेंड्स, हम तेल लगा लेते हैं, दोनों बाजू में हम अच्छे तरीके से तेल लगा दिए हैं। फ्रेंड्स, मैंने सारे पराठे बना लिए हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से फ्रेंड्स पराठे बना के देखिएगा, फ्रेंड्स आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।